हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विवांस आर्ट एंड क्राफ्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आई हूँ रंगों के बारे में कुछ जानकारियाँ, और आज का टॉपिक है वार्म कलर एंड कूल कलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कौन से कलर वार्म कलर होते हैं और कौन से कलर कूल कलर होते हैं। इसके लिए हमें कलर व्हील को देखना होगा। इस कलर व्हील में होते हैं प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स। ये बन गया हमारा कलर व्हील। अब इस कलर व्हील को हमें बीच में से इस तरह डिवाइड कर देना है। इस तरह लेफ्ट साइड में आ गया हमारा कूल कलर, जिनमें है मजेंटा, वॉयलेट, ब्लू और डार्क ग्रीन, और राइट साइड में आ गया हमारे वार्म कलर, जिनमें है रेड, ऑरेंज, येलो और लाइट ग्रीन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वार्म कलर के बारे में। तो वार्म यानी गर्म चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे लाइट्स, सन, हार्ट शेप, फायर और फायर क्रैकर्स यानी पटाखे। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ों का कलर रेड, येलो और ऑरेंज है। वार्म कलर हमें खुशी, गुस्सा, गर्माहट और उत्तेजना का एहसास दिलाते हैं। वार्म कलर की डेफिनेशन है, कलर दोज आर वेरी शार्प हैविंग सिमिलैरिटी इन कलर ऑफ सन एंड फायर एंड सीइंग देम फॉर लॉन्ग टाइम आइज में फील डिफिकल्टी आर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ वार्म कलर एज रेड, येलो, ऑरेंज एंड ब्राउन। मतलब जिन रंगों की गति अधिक होती है और जो रंग सूर्य तथा आँख के समीप होते हैं और जिन्हें आँखें देर तक नहीं देख पाती, ऐसे रंग गर्म रंग यानी कि वार्म कलर कहलाते हैं। अब हम आते हैं कूल कलर्स पे। कूल यानी ठंडी चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे पानी, बादल, पेड़ पौधे और स्नोफ्लेक्स। इन सभी चीज़ों का रंग ब्लू, वॉयलेट और ग्रीन है। कूल कलर हमें उदासीनता, ताजगी, आराम और शांति का एहसास दिलाते हैं। कूल कलर की डेफिनेशन है, कलर्स दैट आर रिलेटेड टू नेचर्स ग्रीनरी, स्नो, वाटर एंड स्काई एंड देयर इफेक्ट प्रोवाइड्स कूलनेस। द आइज कैन गेट लॉन्ग जॉय इन इट आर कॉल्ड कूल कलर्स सच एस ब्लू, पर्पल, डार्क ग्रीन। मतलब जिन रंगों का संबंध प्रकृति की हरियाली, पर्वत, बर्फ, जल, आकाश आदि से होता है और जिनसे आँखों को देर तक आनंद प्राप्त होता है, उन रंगों को शीतल रंग यानी कि कूल कलर कहते हैं। कूल कलर्स और वार्म कलर्स एक दूसरे के विरोधी होते हैं। वार्म कलर्स हमें खुशी और गर्माहट का एहसास कराते हैं, जबकि कूल कलर्स उदासीनता और शांति का एहसास कराते हैं। ठंडे रंग दूरी को बढ़ाते हैं, जबकि गर्म रंग दूरी को कम करते हैं। अगर एक लैंडस्केप पेंटिंग में कोई चीज़ हमें पास दिखानी होती है तो हम वार्म कलर का यूज़ करते हैं, और अगर कोई चीज़ हमें दूर दिखानी होती है तो हम कूल कलर का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर कोई कम हट का व्यक्ति कूल कलर के कपड़े पहने तो उसकी लंबाई ज़्यादा दिखेगी, और अगर वो वार्म कलर के कपड़े पहने तो उसकी लंबाई कम दिखेगी। अब एक सवाल ये उठता है कि ग्रीन कलर वार्म कलर है या कूल कलर? तो इसका जवाब ये है कि ग्रीन न तो ज़्यादा वार्म कलर है और न ही ज़्यादा कूल, लेकिन जैसे जैसे ग्रीन रंग में हम येलो कलर मिक्स करते जाते हैं तो वो वार्म कलर होता जाता है, और अगर हम ग्रीन कलर में ब्लू कलर मिक्स करते जाते हैं तो वो कूल कलर होता जाता है। यही सवाल पिंक के बारे में भी पूछा जाता है कि पिंक कूल कलर है या वार्म कलर? तो पिंक कलर रेड कलर और वाइट कलर को मिक्स करके बनता है। रेड वार्म कलर है और वाइट न्यूट्रल कलर, इसलिए पिंक भी वार्म कलर ही कहा जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।